भारतीय सेना का गढ़ रहा उत्तराखंड हमेशा से सैन्य परंपराओं के लिए जाना जाता है। इसी परंपरा को कायम रखने के लिए भारतीय सेना से एनएसजी कमांडो पद से रिटायर्ड हवलदार जसवंत सिंह रावत मंगल यूथ फाउंडेशन के जरिए उत्तरकाशी के युवाओं को फौज में भर्ती करने की ट्रेनिंग दे रहा है, जिससे पहाड़ के लोग काफी खुश दिखाई दे रहे हैं और बढ़ चढ़ कर ट्रेनिंग में हिस्सा ले रहे हैं। रिटायर्ड हवलदार जसवंत सिंह का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान उनके मन में ये विचार आया कि युवा लड़के नशे के आदि हो रहे हैं, क्यों ना उनको ट्रेनिंग दी जाए। तब से हर रोज सुबह 4 बजे जनपद के कई क्षेत्रों के युवा ट्रेनिंग के लिए उनके पास आ रहे हैं और उनका मंगल यूथ फाउंडेशन फ्री में युवाओं को ट्रेन करके फौज में जाने की तैयारी दे रहा है। उत्तरकाशी से दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को, और क्या आपका ये इसके पीछे रीजन है? मैं जसवंत सिंह रावत 3 मार्च से सेवानिवृत्त हूँ और मैं एनएसजी कमांडो और बम टेक्नीशियन और सीआईजी डबल कमांडो और मैंने एमए सोशियोलॉजी से कर रखा है। मैं जब पिछले साल लॉकडाउन के टाइम 30 जून 2020 को सेना से सेवानिवृत्त हुआ तो उस टाइम मैं रिटायरमेंट आया और मैंने यहाँ पर देखा कि लड़के ऐसे ही घूम रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो मैं मंगल यूथ फाउंडेशन की से जुड़ा और उसमें मैंने यहाँ के युवाओं को ट्रेनिंग शारीरिक प्रशिक्षण देने का काम शुरू किया और मैंने काफ़ी महीने तक इस प्रशिक्षण को चलाया और इसमें मेरे 14 जवान सेलेक्ट हुए हैं जो कि आज आर्मी में ट्रेनिंग कर रहे हैं और हम यहाँ पर अभी भी मंगल यूथ फाउंडेशन के युवाओं को अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं और युवाओं को रोजगार के लिए प्रेरित कर रहे हैं और उनके भविष्य में इस टाइप की ट्रेनिंग और भी रोजगार का अवसर उनको प्रदान कर रहे हैं। और मंगल यूथ फाउंडेशन कई तरह के काम कर रहे हैं जो कि कोरोना काल में भी मंगल यूथ फाउंडेशन की ओर से भी लोगों की सेवा की गई और जो बाढ़ में पीड़ित हुए थे आजकल उत्तरकाशी में उनके भी मंगल यूथ फाउंडेशन ने उनको भी सहायता पहुँचाई और मंगल यूथ फाउंडेशन समय समय पर सामाजिक गतिविधियों भी करता रहता है। और हम वर्तमान में आपके पास कितने बच्चे वो उसके लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं? वर्तमान में मेरे पास 40 कैंडिडेट हैं जो कि जोशियाड़ा NIM बैंड से हमारा कुटेटी के पास समाप्त होता है, कुटेटी से हम बैक NIM रोड NIM बैंड तक जाते हैं और वहाँ पे पूरी ट्रेनिंग हमारी होती है और उस ट्रेनिंग का हम पूरा रिकॉर्ड रखते हैं और इसके वीडियो जो भी है हमारे पास पूरे उपलब्ध होते हैं और हम चाहते हैं जवानों को और भी मोटिवेट हो और इस तरह से जो युवा है यहाँ पर जैसे नशे की प्रवृत्ति कर रहे हैं उससे भी वो लोग बचे, इस पर भी हम काम करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे उत्तरकाशी में देखा मैंने काफ़ी तरह के ड्रग्स इस टाइप के युवा लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो लोग इस चीज़ में आए, अपनी सारी शक्ति बढ़ाएँ और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इससे कि हमारे ज़िले का विकास होगा और जो आर्थिक स्थिति है ज़िले की हो या घर की हो वो और भी ज़्यादा उन्नत होगी और उन लोगों को रोज़गार मिलेगा, गरीब लोगों का भला होगा। जो एक जवान सेना के अंदर जाएगा तो उसकी हर एक तरह की स्थिति बदल जाती है और हमारे यहाँ के लड़कों को इस चीज़ से रोज़गार मिल रहा है। धन्यवाद।